ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान को गलत व बेबुनियाद ढंग से प्रस्तुत करने के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा, विधायक रेखचंद्र जैन, महापौर सफीरा साहू आदि ने आज थाना सिटी कोतवाली पहुंचकर रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णव गोस्वामी सहित अन्य दो चैनलों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने हेतु थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर में आवेदन दिया। कांग्रेस कमेटी ने इन चैनलों पर मीडिया जगत को बदनाम करने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कोरोना पर दिए गए वक्तव्य को तोड़ मोड़कर छवि धूमिल कर झूठी सुर्खियां बटोरने वाला बताया। साथ ही इन टीवी चैनलों पर अतिशीघ्र कार्रवाई कर अर्णव गोस्वामी व अन्य के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार करने की मांग की। जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा, कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी की छवि धूमिल करने की जो साजिश भारत सरकार के द्वारा की जा रही है वह कभी पूरी नहीं होगी। झूठी और चापलूसी के मीडिया सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के तथा अपने आंखा की गुलामी कर रहे हैं। उन्हें देश की भलाई और देशवासियों से कोई सरोकार नहीं। आज पूरी दुनिया जानती है टीवी चैनलों का रिमोट किसके हाथ में है। ऐसी मीडिया कांग्रेस और कांग्रेस के पदाधिकारियों की छवि को धूमिल करने का काम ना करे, वरना देश खुद ब खुद जवाब देगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए जगदलपुर से मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। जो देश में कोरोना वैश्विक महामारी जिस तरीके से फैली हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर WHO की जो गाइडलाइन है उस मामले को लेकर अपना सुझाव दिया था और देश को कोरोना से मुक्ति के लिए उनके सजेशन थे। मीडिया के अर्णव गोस्वामी जो कि रिपब्लिक टीवी के हेड हैं, रिपब्लिक भारत और ARG क्वालियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये तीन मीडिया समूहों ने हमारे राहुल गांधी जी की जो सोच थी कि WHO की गाइडलाइन के अनुरूप देश में ऐसा पालन हो जिससे इस महामारी से हम लोग बच सकें, इस बात को तोड़ मरोड़ कर मीडिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया और जनता को गुमराह करने की काम अपने मीडिया का दुरुपयोग करते हुए किया गया, जिससे आम पब्लिक पर गलत प्रभाव पड़े, ये उनकी सोच थी। इस बात की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम सभी कांग्रेस पार्टी के, हमारे अध्यक्ष जी, महापौर जी, हम कांग्रेस के सभी साथी आज पूरे देश में इन समाचार समूहों के खिलाफ FIR कराने के लिए हम लोग आज थाना पहुँचे हैं और थाना करा रहे हैं कि एक तरफ तो देश कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित है, परेशान है, ऐसी परिस्थिति में कोई रचनात्मक सुझाव अगर राहुल गांधी जी ने दिया तो उसको स्वीकार करना चाहिए, तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहना गलत है, इसकी हम लोग निंदा। सर, ये विज्ञप्ति के जरिए आप किस तरह की कार्रवाई इसमें की आपने? विज्ञप्ति नहीं, ये FIR की कॉपी है। अच्छा, FIR हमने बराबर जिस कंटेंट को हमारे FIR में हमने लिखा है और मीडिया समूह के द्वारा जिस तरीके से काम किया गया है उसके तहत हम लोग धारा 153B, 188, 290, 504, 505 और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एक्ट की सेक्शन 5 के अंतर्गत जो उल्लंघन